अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर आर्मी ऑफिसर्स, मैं आपको तबीर एकेडमी पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, पीएमए के इनिशियल टेस्ट से रिलेटेड डेट्स आ चुकी हैं और स्टूडेंट्स अब उनकी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये बहुत क्रूशल टाइम है कि जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और इनिशियल टेस्ट में अपेयर होते हैं और इस टेस्ट को क्लियर करते हैं, ताकि आप फर्दर स्टेजेस में जाके अपने लॉन्ग कोर्स की जर्नी को मुकम्मल कर सकें। तो इस सिलसिले में तबीर अकेडमी ने एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव ऑनलाइन कोर्स ऑफर किया है, जिसके अंदर हम अब चल के देखते हैं कि उस कोर्स के क्या फीचर्स हैं और स्टूडेंट्स को किस तरह से फ़ायदा दे रहा है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने ये कोर्स ऑलरेडी परचेज कर लिया हुआ है। बहुत से स्टूडेंट्स इस कोर्स की वजह से अपने इनिशियल टेस्ट को ईजिली क्लियर भी कर चुके हैं। तो हम देखते हैं इस कोर्स में क्या फीचर्स हैं और ये कोर्स किस तरह से यूनिक है और किस तरह से ये आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकता है। तो हम चलते हैं तबीर एकेडमी पे और देखते हैं कि इस कोर्स के अंदर क्या मौजूद है। तो हम tabeeracademy.com पर आते हैं। यहां पर हमें सबसे पहले साइन अप करना पड़ता है या लॉगिन करना पड़ता है। अगर आपने ऑलरेडी एक आईडी क्रिएट की हुई है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लॉगिन पे आते हैं और यहां पर हम अपने गूगल अकाउंट से इसको लॉगिन कर लेते हैं। हम यहां पर गूगल अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली इसको लॉगिन करते हैं और हमारे सामने मेन वेबसाइट की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर हम पीएमए कोर्स को ओपन करने के लिए पीएमए टाइप करते हैं सर्च बार में और हमारे सामने पीएमए के तीन कोर्सेज आ जाते हैं। इसमें जो कंप्लीट बंडल है वो आपके सामने राइट पे आ रहा होता है, जिसमें 15% ऑफ भी है। आप इस बंडल को एक्सेस करते हैं, यहाँ पर आपके सामने कोर्स की इंट्रोडक्शन स्क्रीन आ जाती है। इस स्क्रीन के अंदर आपके सामने पीएमए की इनिशियल टेस्ट से रेलेवेंट कुछ टिप्स मौजूद हैं। यहाँ पर सिलेबस और एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू कोर्स के बारे में दिया जाता है, करंट अफेयर्स के ऊपर, करंट अफेयर्स के इवेंट्स के ऊपर यहाँ पर अपडेट्स आ रही होती हैं, जो कि रेगुलरली अपडेट हो रही होती हैं। इसके बाद जब आप कोर्स को स्टार्ट करने लगते हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं देखूँ पहले इस कोर्स में क्या है, तो आप इस कोर्स को एज अ ट्रायल स्टार्ट करते हैं। जब हम इस कोर्स को ट्रायल स्टार्ट करते हैं, तो हमारे सामने तबीर एकेडमी की मेन स्क्रीन आ जाती है, जो कि आप कोर्स लेने के बाद आपको एक्सेस मिल जाएगी। जिसकी इस ट्रायल के अंदर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे सामने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अलहदा से दिखाया गया है, डिफरेंट टॉपिक्स को जो सब्जेक्ट्स के अंदर हैं उनको भी अलहदा से दिखाया गया है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम कौन सा टॉपिक और कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहें। इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, आप पहले वर्बल इंटेलिजेंस करना चाहते हैं या पहले इंग्लिश करना चाहते हैं या इंग्लिश का कौन सा टॉपिक करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे सामने टाइम्ड एमसीक्यूज हैं, यानी ये आपके टाइम को ट्रैक कर रहे होते हैं। अगर आपने इस एमसीक्यू को ज्यादा देर लगा दी अटेम्प्ट करते हुए, तो ये टाइमर खत्म हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपको टाइमिंग का इशू आ रहा है और आपको टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने कॉन्सेप्ट्स जितने आपने अभी तक लर्न किए हैं उनका एक ट्रैक आ रहा होता है, आपने जितने पॉइंट्स अर्न किए हैं उनका भी ट्रैक आ रहा होता है, और आप किस लेवल पे पहुंच चुके हैं इस कोर्स की कंप्लीशन में उसका भी एक रिकॉर्ड आ रहा होता है। फर्दर अगर आप इस कोर्स को अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए किसी आंसर को गलत करते हैं, जिस तरह मैंने अभी किया, तो यहाँ पर आपके सामने लर्निंग बॉक्स की ऑप्शन है। ये आपको राइट आंसर बताता है और उसकी राइट एक्सप्लेनेशन बताता है कि इस आंसर में आपने क्या गलती की है। उसके अलावा यहाँ पर एक वीडियो भी मौजूद है, जो कि वर्बल, नॉन वर्बल और अकेडेमिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये बताती है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप हर टॉपिक को, हर टॉपिक के अंदर हर सब्जेक्ट को एक दफा एक्सेस करके थॉरली इस लर्निंग बॉक्स के थ्रू लर्न करते चले जाते हैं, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाते हैं और ऑटोमेटिकली बाय द एंड ऑफ द कोर्स आप इस कदर प्रिपेयर हो गए होते हैं कि जब आप फाइनल कोर्स में अपीयर होते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमारे सामने कोर्स को बाय करने की ऑप्शन आ जाती है। जब हमारे सामने कोर्स को बाय करने की ऑप्शन आती है, तो यहां पर अगर तो आपके पास वाउचर कोड है तो आप वो यूज कर सकते हैं, अगर आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है किसी YouTube की वीडियो से मिला आपको या कहीं से, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दोनों नहीं है, तो आप डायरेक्टली कोर्स को बाय के लिए क्लिक कर सकते हैं। जब बाय करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आती है कि आपका नेम क्या है, आप नेम ऐड करते हैं, फोन नंबर ऐड करते हैं, डिलीवरी एड्रेस ऐड करते हैं, सिटी ऐड करते हैं, और जिस पेमेंट मेथड के थ्रू आपने पे करना है उसको ऐड करते हैं, और उसके बाद आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं। तो हम पहले यहाँ पर अपना नेम ऐड कर लेते हैं, हम अपना फोन नंबर ऐड कर लेते हैं, हाइपोथेटिकल हम यहाँ पर एड्रेस ऐड कर लेते हैं और हम सिटी ऐड कर लेते हैं, लाहौर। अब जब ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने इस ऑर्डर से रेलेवेंट एक ट्रैकिंग नंबर आ जाता है। ये ट्रैकिंग नंबर आपने याद रखना है और इस ट्रैकिंग नंबर के अकॉर्डिंग आपको एक से दो दिन के अंदर आपके घर पे ही एक वाउचर मिलेगा, और उस वाउचर को एक्सेस करके आप इस कोर्स को आसानी स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम तबीर एकेडमी। वी होप कि आपकी ड्रीम पूरी हो और आप आर्मी में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर रिक्रूट हो सकें। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ख्याल रखें,
अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।